नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता विधेयक फिरता, विधेयक ऊपर पुनर्विचार करब आवश्यक रहल कथन। संघीय सरकार प्रहरी समायोजन नहीं केने कहित मधेश सरकार द्वारा आंदोलन, मुख्यमंत्री मंत्री सहित धरना पर बैसल। लोसपा के गठबंधन आ सरकार में आनब आवश्यक रहल कांग्रेस नेता निधि के कथन। सूर्य अभियान द्वारा तेसर चरणक आंदोलन घोषणा, भादो एक गत्ते से धरना आ ज्ञापन पत्र बुझाल जाए। आ निहारिका के न्याय किया नहीं भेटल कहित सांसद सब द्वारा सरकार संग प्रश्न। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी नागरिकता विधेयक फिरता पछा देने छथि। उक्त विधेयक में संघीय संसद पुनर्विचार कर आवश्यक भेला से राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में फिरता पठाने राष्ट्रपति कार्यालय रवि दिन साँझ में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दिलक। प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से जन्म के आधार में नेपाली नागरिकता पौने सबके संतान सबके वंशज के नागरिकता पाव के आ माय के नाम से नागरिकता लेब पाव के व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक पारित कर राष्ट्रपति समक्ष पठाओल गेल छल। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से पारित केला के बाद 15 सावन में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमाणीकरण पठौने 14 दिन में राष्ट्रपति उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में फिरता कर दिलिये। संघीय संसद संघीय सरकार विरुद्ध मधेश सरकार धरना देव के काज शुरू कलक। पहल चरणक आंदोलन अंतर्गत मधेश प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित मंत्री सब आ सांसद सब रवि दिन से प्रदेश प्रमुख के कार्यालय आगा धरना में बैसल। प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार माथत हस्तांतरण कैल जेबाक मांग करते सब एक हफ्ता धर के लिए धरना में बैसल। हरेक दिन बेराबेरी मंत्री सब धरना में बैसबाक जनाओल गेल। धरना में बैसल मुख्यमंत्री राउत बिना प्रहरी प्रशासन शांति सुरक्षा के अधिकार सहित सरकार चलाब कठिनाई भेला से प्रहरी समायोजन आवश्यक रहल जिकिर कलने। सामान्य घटनाहरुको लागि पनि हामी अहिले अब झन्डै झन्डै अब हाम्रो कार्यकाल पुरा हुन लाग्यो। यो पुरा हुन लागेको कार्यकालको अब यो बिचमा हामी इभेन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा पनि हामी अनुरोध गरेका थियौँ र हामी गर्दै पनि आएका छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब त्यहाँ पनि हामी आफ्ना अधिकार प्राप्तिको लागि हामी कसैको अधिकार लिने होइन, हामी चाहन्छौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक संहितामा गइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि सबैको सहयोग होस्, सबैले यसमा चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। संघीय प्रणालीमै जा चुकल देशमै संविधान दिने अधिकारमै समेत षड्यन्त्र भेनाए दुखद बात रहल। मुख्यमंत्री राउत के कहब छलन गठबंधन में आबद्ध संपूर्ण दलक शीर्ष नेता प्रधानमंत्री सहित सब केओ के ध्यान आकर्षण करौलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेला से अपना सबके आंदोलन में जाय पड़ल। हुनक कहब छलन तपाईलाई थाहा छ कि अब निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, वही आए पनि के प्रशासन र प्रहरी बिना उले चाहिँ यो के भन्छ नि यो प्रदेशमा कसरी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यो अपरिहार्य हो। त्यसैले हामी चाहन्छौँ अब यो आफ्नो र हामी सँगमा छौँ यहाँ छौँ भन्दा पनि हामी यो चाहन्छौँ, हामी यहाँका हौँ, हामी यो प्रदेशका हौँ र प्रदेशलाई चाहिने शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारमा बस्ने व्यक्ति यहाँका जनसमुदाय सबैको सरकारको विषय हो र हामी चाहन्छौँ कि हामी सबैको यो सरकारको विषयको भएकोले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना। मुख्यमंत्री राउत संघीयताक सफल कार्यान्वयन के लिए मधेश प्रदेश सरकार आंदोलन कने बतौलने। राउत प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकार सब प्रदेश सरकार के हस्तांतरण नहीं कर धर संघीयताक सफल कार्यान्वयन होब नहीं सकबाक धारणा रखने छलन। वो गृह मंत्रालय 7 दिन में कर सकबाक काज होब नहीं सकनाय शंकास्पद बात रहल धारणा रखलन। यदि इच्छा शक्ति भन्दाखेरि ठूलो कुरा हो, हामी के चाहन्छौँ भने ठीक छ यो के भन्छन् यो चुनाव पछि नै होस् तर चाहिँ पहल त गरियोस् कसैबाट, यो त पहल त होस् जे हामी चाहिँ साँच्चीकै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी चाहिएको छ, त्यहाँ प्रशासन चाहिएको छ, त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो र प्रदेश सरकारले आफै गर्न चाहन्छ भने यसमा पहल कदमी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो।
वो संघीय सरकार एक सप्ताह भीतर से प्रहरी समायोजन नहीं किया पर और संघर्ष में उतरबाक चेतावनी समेत दिलन। वो अपना सबके आंदोलन सस्ता लोकप्रियता के लिए नहीं भेल समेत स्पष्ट केने छलन। ऐसा पहिने मध्य सरकार सावन 22 गते प्रदेश प्रमुख मार्फत संघीय सरकार के 7 दिन के अल्टीमेटम सहित ध्यान आकर्षण पत्र बुझौने छल, मुदा सुनवाई नहीं भेला के बाद रवि से वो सब धरना में बैसल छथि। वो सब प्रदेश प्रमुख के निजी सचिवालय के प्रांगणे में धरना में बैसल छथि। धरना में मुख्यमंत्री राउत सहित गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद साह, ऊर्जा तथा खाने पानी विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारीकरण, प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्र यादव, चमेली देवी दास, सरस्वती चौधरी, परमिला देवी दास लगातक सब सहभागी छलनि। कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि लोसपा के गठबंधन आ सरकार में आनल जेबाक बतौलन। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार शाह के अगुवाई में भारतक विभिन्न तीर्थस्थल के यात्रा कर जा रहल तीर्थयात्री सबके जानकी मंदिर में विदाई करत काल नेता निधि एहन धारणा रखलन। वो निर्वाचन में लोकतांत्रिक शक्ति सब मिलबाक विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलन। लोसपा संग गठबंधन भेल अवस्था में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से राजेंद्र महतो लड़त कि अपने चुनाव लड़ब कहकर कैल गेल प्रश्न में निधि अपना चुनाव लड़बाक निर्णय कर चुकल स्पष्ट कलने। हमू जे है से अहाँ राजेंद्र महतो जी से बात निश्चित बात तो वही स्तर पर प्रतिनिधि सब जो है से पार्टी के तरफ से अहाँ के टोकल गए विधायक है जो छलफ के अतिरिक्त अगर दोनों पार्टी के बीच में सरकारों में आबल है हम कहें आशीर्वाद जो आग्रह के लिए कि उनको सब सरकार मिले हम तक हम तक हम लड़बे हमू लड़बे से हम तय छी निर्णय कल छी राय में तो हमारा आ रहे नहीं तो लड़ जेबी हमको बात पूछियो लेकिन अब तक गठबंधन भ जेतै तो गठबंधन के बाद में की सहयोग भ सकै छै आपस में से छलफला के। यद्यपि गठबंधन भ चुकला बाद अ क्षेत्र से के लड़बाक विषय में एक दोसर के सहयोग कर सकबाक सेहो ओ बतौलन। निधि अगिलका निर्वाचन आ गठबंधन के विषय में अपना महत्व संग भेंट का बातचीत केने समेत बतौलन। लोसपा के गठबंधन में मात्र नहीं भ सरकार में सेहो सहभागी कैल जेबाक चाही, ओ पक्ष में अपना मात्र नहीं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा समेत रहल हुनक कहब छलनि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान तेसर चरणक आंदोलन घोषणा कलक। अभियानक संयोजक सुनील कुमार यादव रवि दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर दू चरणक आंदोलन से संघीय प्रदेश सरकार मांग के सुनवाई नहीं केने कहे तेसर चरणक आंदोलन घोषणा केने जानकारी दिलन। आंदोलनक कार्यक्रम अनुसार भादो 1 गते मध्य प्रदेश के 8 जिला प्रशासन कार्यालय आगा 1 घंटा धरना आ ज्ञापन पत्र बुझेबाक, भादो 2, 5, 6 आ 7 गते सेहो 8 जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना देबाक, भादो 8 गते 8 जिला के सदर मुकाम में 3 तह के सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा करबाक, भादो 9 गते मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री कार्यालय आगा मुख्यमंत्री के पुतला दहन करबाक आ कार्यालय में ताला लगेबाक अभियान जनौलक। तेसर चरणक आंदोलन से होबयवला कोनो क्षति के जिम्मेवारी तीनों सरकार के रहबाक सेहो अभियान विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिलक। अभियानक संयोजक यादव मध्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा लगौलो पर सुकुम्बासी के बेटी के संरक्षण करबाक दायित्व से विमुख भ रहल आरोप लगौलन। हक अधिकार के संबंध में सबके कोनो मतलब नहीं छै, एकनी के बाल बच्चा केना ठीक रहतै, एकनी के घर परिवार केना ठीक रहतै, ए सब दाव में लागल छै। अभी अहाँ के प्रहरी संयोजन के नाम पर 4 बरस से एकनी के आंदोलन करे के नहीं रहलकै, लेकिन वन जंगल संरक्षण सहित सुकुम्बासी के समस्या समाधान लगाए 3 मुद्दा मांग तत्काल संबोधन कर सेहो ओ मांग कलने। एम्हर अभियानी सब रवि दिन 26 दिन सेहो रिले अनशन जारी रखने ओ सब चूरे वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोवासी सबक हक अधिकार के लिए आंदोलन करैत आबि रहल अछि। वर्षों से भूमिहीन रहल अपना सबक समस्या समाधान में राज्य ध्यान नहीं दे होने ओ सब उपराग व्यक्त करैत अछि। सुकुम्बासी के जमीन वितरण करबाक काज के राज्य विभेद करैत आयल सेहो हुनका सबके आरोप अछि। ओ सब भूमि अधिकार संगे वन क्षेत्र अतिक्रमण लगायत विषय में सेहो आवाज उठबैत आबि रहल अछि। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन 10 सूत्रीय मांग सहित मधेश सरकारक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रवि दिन एसोसिएशनक मधेश प्रदेश सभापति इंजीनियर गौरी पंडित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पहुंचल एसोसिएशनक टोली देश निर्माण में सक्रिय इंजीनियर सभक मांग पर संवेदनशील होब
मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह कलक मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत का कार्यालय तथा स्थानीय तह का कार्यालय में रिक्त रहकर इंजीनियरिंग सेवा तर्फ को पद अविलंब विज्ञापन प्रकाशन करी स्थायी पदपूर्ति करोस्। छ नंबर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित इंजीनियरिंग सेवा का विज्ञापन को परीक्षा अथवा शीघ्र संचालन करोस्। सात नंबर मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत का कार्यालय तथा स्थानीय तह का कार्यालय में नया फ्रेशर इंजीनियर इंटर्नशिप को व्यवस्था करोस्। आठ नंबर मध्य प्रदेश सरकार अंतर्गत का कार्यालय तथा स्थानीय तह का कार्यालय में आवश्यकता अनुसार करार सेवा में इंजीनियर को पदपूर्ति गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत संलग्न कराई निष्पक्ष प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करोस्। स्थानीय तह में कार्यरत इंजीनियर सबके ज्येष्ठता के आधार में पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन सकबाक एन आनल जेबाक चाही। सेवाकालीन तालीम सहित 10 सूत्रीय मांग सहित टोली मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौने। प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कैल गेल विज्ञापन के परीक्षा यथाशीघ्र लेल जेबाक चाही सेहो हुनका सबके मांग। ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राउत विभिन्न कठिनाई आ संघीयता बचेबाक बाध्यता सबक बीच काज कर पड़ रहल कहत एसोसिएशनक मांग में मध्य सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलन। आउँदाखेरि त सजिलो हुन्थ्यो तर चाहिँ मलाई लाग्छ कि विस्तारै अब लोकसभा पनि अब तपाईहरुलाई जानकारी होला अब तपाईहरु त यहाँका बोनाफाइड सिटिजन बोनाफाइड नागरिक राज्यको हरेक भनौँ न एउटा कुरालाई जान्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकार बोकेको व्यक्तिहरु हुन् तपाईहरु त निश्चित रूपमा अब हामी पनि अब बडो कठिनका साथ अहिले संघीय कानून हेर्नु नियम अधिकम कसरी पेन्डुलममा राखेका छ। बिचरा मन्त्री तिनचोटि प्रयास पनि गरे कि अध्यादेशबाट ल्याउनलाई जबकि अध्यादेशबाट ल्याउन सकेन फेरि यहाँ अब टुङ्ग्याउनलाई खोजिराखेका छन् तर यी राजनीतिक दलका नेता दलीय स्वार्थीले अहिले पनि माथि उठ्न सकेका छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी पनि अब ओएनएम गरिसक्यौँ निजामत प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायो प्रदेश बनाइसकेपछि हाम्रो नियमावली नहुँदा नियमावली अन्य कानुन जस्तो होइन कि अलिकता फरक धेरै कुराले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने गर्दाखेरि अब देशमा बहुत बलिदानी बाद संघीयता संविधान एलो पर राज्य संविधान के अवज्ञा कर रहल बतबैत अपना सब एसोसिएशनक माग सम्बोधन में सकारात्मक रहल धारणा रखलन। एसोसिएशनक सभापति इंजीनियर पंडित आ सचिव इंजीनियर राम नारायण यादव द्वारा ज्ञापन पत्र जारी कयल गेल अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान करार कर्मचारी भर्ना के प्रक्रिया स्थगित केला बाद दरखास्त देवेवाला सब असंतुष्टि जनौलक अछि। प्रतिष्ठान 203 कर्मचारी भर्नाक लेल निकालने विज्ञापन में करीब 5,000 दरखास्त पड़ल अछि। दरखास्त बुझाबेवाला सब के साउन 29 गते प्रवेश पत्र देबाक प्रतिष्ठान सूचना जारी केने छल मुदा प्रतिष्ठान फेर से एकटा सूचना निकालिकऽ विशेष कारणवश परीक्षा संबंधी प्रक्रिया स्थगित कयल गेल जानकारी देने अछि। ई विज्ञापन पर उच्च अदालत में मुद्दा परला बाद प्रतिष्ठान परीक्षा संबंधी प्रक्रिया स्थगित कर देने अछि। रवि दिन दरखास्त देने व्यक्ति सब परीक्षा रोकल गेल कहैत असंतुष्टि जनबैत प्रतिष्ठान पहुँचल छलै। ये मुद्दा पड़ गए मुद्दा पड़ गए तो आ वही सूचना में इहो लिखने कि विशेष कारणवश तो विशेष कारणवश के ई नहीं खोलिए ना कि कते दिन के लागी कैला नहीं भेलै आ अई राजस्व के नेपाल सरकार के 2000 विद्यार्थी भरने 1000, 1200, 1500 के राजस्व है ये पैसा सब कत जाए है कि हो है नहीं हो है। अभी करार में कुछ व्यक्ति करार के आदमी सब काम अय कर रहा है वही के प्रमाण हम देब ये करार में अभी है आ कते आदमी के करार में से निकालो देने आ कते आदमी करार वाला कामों कर तो एहन बार बार हम सब अन्याय कहिया तक सब अय के प्रदेश सरकार लाल बाबू राज के हम घोर भस्ता करी छे ऐ पर चल लेगा क्यों आदमी व्यक्ति ऐ पर मुद्दा बदल गया 15 दिन के बाद में जाकर वही कुछ प्रक्रिया है ना कागजात ठोस रूप से वही देखते है ना न्यायाधीश कार्यालय में चाहे जत देखे हुए संबंधित इकाई में देखते ते के बाद में जाकर ये अप्रूवल वही सक कर देते है ना 15 दिन के बाद में जे एते नोटिस से यहाँ के वेबसाइट पर राखल जाते यदि वही यदि वेबसाइट पर रखते आ पछाड़ी दा के यदि कोनो समस्या होते तो ये जे अपना राजस्व तीर्ण थे सेहो देवे के वही के ओकरा के कह। प्रतिष्ठानक प्रशासन प्रमुख संतोष कुमार ठाकुर विज्ञापन पर मुद्दा परला के कारण परीक्षा प्रक्रिया स्थगित कयल गेल स्पष्टीकरण देने छलन। ओ मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय आ प्रतिष्ठान के 15 दिन भीतर विज्ञापन संबंधी संपूर्ण कागजात लक उपस्थित होब अदालत कहने सेहो जानकारी देलन।
पड़े और 15 दिन के भीतर में संपूर्ण कागजात लगे मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय है ना, प्लस मधेश स्वास्थ्य विकास प्रशासन के बोलने हैं ना कि 15 दिन के भीतर संपूर्ण कागज लगे जत तब अदालत बुझते कि कंटिन्यू किया जाए वैकेंसी के शासन प्रमुख ठाकुर आब अदालत के निर्णय अनुसार काम आगा बढ़वा से हो स्पष्ट कलन अदालत ई विज्ञापन के आगा बढ़ावा नहीं कहला पर सब गोटे के दस्तूर बापत के रकम फिरता क देवा से हो वो जानकारी दिलन ऐसे पहले साउन 1 गते प्रतिष्ठान विभिन्न पद के स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी माँ करे विज्ञापन निकालने छल मुदा सीट संख्या नहीं तोकने छल विज्ञापन निकालला 15 दिन बाद मात्र सीट संख्या तोकल गेल छल शुरू में साउन 15 गते धैर दरखास्त भरबाक लेल म्याद देने प्रतिष्ठान फिर से म्याद बढ़ाकर साउन 22 गते धैर पहुँचौने छल मात्र 203 सीट पायमालिक सांसद नीरू देवी पाल निहारिका राजपूत आ नाबालक दुनू के सरकार तत्काल न्याय दियाबा परबाक माँ कलने छ रवि दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में बजट सांसद पाल सरकार संग एहन माँ कलने वो सरकार दोषी प्रमाण प्रशस्त भेला पर समेत निहारिका के न्याय देवर नहीं सकल आरोप लगौलने सांसद पाल बलात्कार हिंसा में पड़ल महिला के सरकार तत्काल न्याय देव प्रभाक बेर में सरकार हरा क खोज प्रभाक अवस्था आयल धारणा रखलन वो निहारिका नारी के अस्मिता के खिलावक के रूप में देख क देख रहल आई समाज के चुनौती देवाक हिम्मत करित अगाड़ी बढ़ रहल मुदा राज्य न्याय देवर निश्चय रहल दावी कलने सांसद पाल निहारिका राजपूत स्वयं ऊपर भेल बलात्कार आ बलात्कार स्वरूप में जन्मल संतान दुनू के न्याय के लेल बेर बेर अनशन बैसला पर समेत सरकार DNA परीक्षण नहीं केनाय पीड़ित के एखनो पीड़ा देव के काज भेल बतौलन ओ निहारिका निर्मला पंत जेहन बेटी सब न्याय कहिया पाओत सरकार संग पाई राख्ने हो भने सयौं निहारिका फेरि पनि हाम्रो समाजले बनाइराख्ने छ निहारिका निर्मलाहरू जस्ता हाम्रा चेलीहरूले न्याय कहिले पाउने सरकार प्रश्न त हाम्रो सामाजिक चेतना माथिको पनि हो छोरी बलात्कार हुँदा समेत बलात्कारी र अपराधीलाई पृष्ठपोषण हुने गरी तथाकथित इज्जत जोगाउन आफ्ना माथि भएको अपराध लुकाउन खोज्नु हो आज महिलाहरू आफ्नै घर परिवारमा सुरक्षित छैनन् हिँड्ने बाटोमा सुरक्षित छैनन् आफूमाथि भएको घटना उजागर गर्ने डराउँछन् 2-4 जना महिलाले हिम्मत गरेर उठायो भने पनि सुनवाई हुँदैन उल्टै महिलालाई नै दोषी करार गर्ने कोसिस हुन्छ निहारिकाले त हिम्मत र साहसका साथ गर्भपतन गराउँछु गराउनु भन्दा पनि सबैसँग लडेर सन्तान पनि जन्माइन् र आफूमाथि भएको ज्यादती अन्याय अत्याचारका विरुद्ध बोल्ने साहस गरिन् तर साहस गरेर मात्रै के गर्ने अहिले 21औं शताब्दीमा पनि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने सांसद पाल एखन महिला अपने घर समाज आ बाट में समेत सुरक्षित नहीं भेल दावी कलन वो बलात्कार से पीड़ित सबके देरी में न्याय पौनाई न्याय नहीं पाव से रह भेल कहित निहारिका अबोध बालक एखन नहीं पौने अधिकार कहिया पावत सरकार संग प्रश्न कने छलन सांसद पाल एहन संवेदनशील बात में सरकार ओहिना देख कर बैसब नहीं सुहा रहल आरोप लगौने छलन प्रतिनिधि सभा सदस्य रेणुका गुरुंग निहारिका राजपूत राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाह करबाक अवस्था किया आयल कहकर सरकार के प्रश्न कलन रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद गुरुंग सरकार के प्रशासनिक आ न्यायिक संयंत्र निहारिका के न्याय देव किया असफल भेल कहकर सरकार संग जवाब माग कर दलन टोलियाहरुको संरक्षणको लागि मात्र हो आज निहारिका राजपूत जस्ता नेपाली छोरीले सामान्य राष्ट्रपति ज्यूको भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने अवस्था किन आयो सरकारले निजलाई समयमै न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो के सरकारको प्रशासनिक तथा न्यायिक संयन्त्र असफल मधेसक मिटर ब्याज साउ महाजन पीड़ित नागरिक के न्याय के अनुभूति दिएबाक दायित्व राज्य के भेल बतौने छलन तहिना प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना सुब्बा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के मोल घटलो पर सरकार नहीं घटौने कहकर असंतुष्टि व्यक्त कने छलन ईंधन के मोल घटाव नेपाल आयल निगम के ध्यान आकर्षण करौने छलन प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटलो पर आयल निगम चुप बैसल धारणा रखलन 30% 30% घटेको छ तर नेपाल भने घटेको नेपालमा भने घटेको छैन आयल निगमले अटो प्राइसिङ सिस्टममा हरेक 15 दिनमा NOCबाट इन्डियन IOCबाट ओ स्वचालित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल निर्धारण गर्न माग कयने छलन नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवार सरकार बिचौलिया सबसँग कमाएको धन्दामा लागि परल
आरोप लगने रवि दिन प्रतिनिधि सभा विसार में ओ नेता सब चुनाव के लिए चंदा संकलन में व्यस्त रहल, कर्मचारी सब कमीशन में चलल, ठेकेदार सब कामे नहीं क कमेबाक धंधा में लागल कहित आपत्ति समेत जनौने छलन। आज को मुलुक को अवस्था मुलुक को स्थिति यहाँ पुगे भाई कुछ समाज में उठन था। सांसद सुनवार ढिला सुस्ती आ कमजोर कर काम कर वाला ठेकेदार सबके कार्रवाई कर वाला कानून व्यवस्था कर तत्काल सार्वजनिक खरीद एवं संशोधन कर सेहो सरकार के दबाव देने छलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ रेडियो नेपाल केन्द्रीय प्रसारण सब मैथिली आ भोजपुरी भाषा कार्यक्रम सब प्रसारण कर मांग कलने रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में सांसद कायस्थ रेडियो नेपाल के केंद्रीय प्रसारण मैथिली आ भोजपुरी लगातक भाषा के समाचार सूचना मनोरंजन के कार्यक्रम सब रोकने बतौलन। ओ प्रतिवास के प्रसारण से हुक क केंद्रीय प्रसारण समाचार दिला पर समस्या देखल गेल बतौलन। सांसद कायस्थ प्रदेश के प्रशासन के थावत राख क केंद्रीय प्रसारण में मैथिली आ भोजपुरी भाषा के प्राथमिकता दिल जेबा चाहिए धारणा रखने छलन। पछिल्लो समय में मैथिली संगै भोजपुरी लगायत का भाषा में पनि समाचार सूचना र मनोरंजन का विभिन्न कार्यक्रम रेडियो नेपाल को केन्द्रीय प्रसारण मार्फत प्रसारण हुँदै आएको थियो। तर 2075 जेठ 18 गते देखि केन्द्रबाट बन्द गरियो यो कार्यक्रम। त्यसपछि मधेश प्रदेश को बर्दीवास मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। हाल बर्दीवासबाट प्रसारण गरिने समाचारलाई केन्द्रबाट हुक गरेर जोडिदा प्रसारण में कहिले काहीं समस्या देखिने गरेको छ। ओ सांसद सब सहित के उच्च स्तरीय आयोग गठन क समस्याग्रस्त विश्वविद्यालय सबक समस्या आ आवश्यकता पहचान क तत्काल निराकरण कयल जेबाक चाहे बताने छलन। नेपाल मजदूर किसान पार्टीक सांसद प्रेम सुवाल वर्तमान सरकार के कोनो औचित्य नहीं भेल टिप्पणी कलने खराब ठेकेदार मीटर ब्याजी सब सत्राही माम अवस्था खराब उद्योगी व्यापारी कालाबाजारी तस्कर से डरेला से सरकार के औचित्य नहीं भेल हुनक कहब छलन। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सवाल काठमांडू के बहुतो सड़क निर्माण के काम ओनाही छोड़ के बैसल निर्माण कंपनी सैलूंग कंस्ट्रक्शन द्वारा तत्काल काम पूरा कराब सरकार संग मांग कने छलन। डराउने यस्तो सरकारको औचित्य नभएको जनताको गुनासो व्यापक छ। मित्र ब्याजीले 1.5 लाख ऋणको 80 लाख ब्याज असुलेको धनी बनाउँदाहरूले गरिबमाथि गरेको अत्याचार भएको यो हो। सरकार नालायक भएपछि अत्याचार ब्याजी सर 1.5 लाख ऋण के 80 लाख ब्याज असुलैत एलो पर वर्तमान सरकार ओकरा सब उपर कारवाही केनो ठोस कदम लेबर नै सकला पर ओ आक्रोश व्यक्त समेत व्यक्त कयने छलन। 2,13,64,00,000 अनुदान सहायता स्वीकार करबाक निर्णय कलक शाम 26 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार एहन निर्णय कलक रवि दिन मंत्री परिषदक निर्णय सार्वजनिक करैत सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कर्मचारी सभक नया तलबमान आ ग्रेड स्वीकृति करबाक निर्णय कने सेहो बतौलन। प्रवक्ता कार्की के अनुसार सरकार शाम 1 गते से लागू करैत आर्थिक वर्ष 2079-80 के नया तलबमान आ ग्रेड सरकार स्वीकृत कलक तेना विश्व बैंक से हरित उत्पादनशील आ समावेशी विकास के लिए प्राप्त होबय वाला करीब 12,70,00,000 रुपया के सहूलियत पूर्ण कर्जा सहायता स्वीकार करबाक निर्णय कलक। तहिना प्रवक्ता कार्की सप्तकोशी नदी में आयल बाढ़ से बेसी क्षति भेल भौगोलिक क्षेत्र के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करबाक सरकार निर्णय कने बतौलन। सरकार भारतीय सेना के स्थल सेना अध्यक्ष के नेपाल भ्रमण के औपचारिक निमंत्रणा पहुँचेबाक निर्णय कने समेत ओ जानकारी दिलन। शील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 100 मिलियन करिब ₹12,70,00,000,000 सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना योजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन 2,256 मिलियन करिब ₹2,13,64,00,000,000 अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। आर्थिक वर्ष 2078-79 के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत राजपत्रांकित श्रेणी के 23
पद सभक अस्थायी दरबदी स्वीकृत करवाक निर्णय सरकार कलक नेकपा एमालेक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गठबंधन के सरकार से राजनीति के दुश्मनी दिस ल जाए चाहि रहल आरोप लगौलने रवि दिन काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम के संबोधन करते एहन धारणा रखलने अध्यक्ष ओली कहियो जात के नाम में कहियो भूगोल के नाम में नेपाली के भिराव के लड़ाव के काज सरकार कर रहल आरोप लगौलन ओ एखन के नेपाली समाज के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दिस जाय पर बाक बतौलन अध्यक्ष ओली ओ जात के पहचान खोजबला काज निभक सब नेपाली सब नेपाली पहचान खोजब आवश्यक रहल बतौलन कम्पिटिशन हुन्छ होस्टाइलिटी होइन दुश्मनी अहिलेको सरकारले अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीले दुश्मनीतिर राजनीतिलाई लान खोजेका छन् म तपाईँहरूलाई किन यो भन्दैछु भने यो राजनीति गरेको होइन हाम्रो समाज स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जाने कि दुश्मनीतिर जाने कहिले जात जातका नाममा कहिले धर्मका नाममा कहिले भूगोलका नाममा अपना सङ्ग स्वास्थ्योपचारके लेल समेत पैसा नै भेल हुना कहब छलैन ओ अपन आपन कन्याके नाममे रहल सब सम्पत्ति मरणोपरान्त राज्यके नाममे समर्पित कऽ चुकल बतौलने छलैन घर घरारी बेचकऽ इलाज करब उहो कहके अवस्था अपना सब सङ्गे नै रहल हुनक कहब छलैन गर्दिनँ गर्न दिन्न भन्ने कुरा र करप्सन गर्दिनँ भन्ने मात्रै होइन मैले आफ्नो प्राइभेट प्रोपर्टी मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो होइन अब राज्यको सम्पत्ति भन्ने अध्यक्ष ओली राजनीतिक दल सब युवाके महत्त्व नै दिने बातमे कुनो सत्यता नै रहल जिकिर गेलन ओ नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकामे 29 वर्षके उपमेयर बनाउने उल्लेख करैत अन्य पार्टीके 29 वर्षक युवाके उम्मेदवार बनेबाक हिम्मत कऽ कऽ देखाबऽ चुनौती देने छलैन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुँवर सरकार वैदेशिक रोजगारी से घूरल व्यक्ति सबक लेल पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन करबाक बतौलने रवि दिन काठमांडू में वैदेशिक रोजगारी से घूरल व्यक्ति सबक लेल पुनः एकीकरण कार्यक्रम में कार्यान्वयन विषय परामर्श गोष्ठी में ओहन बतौलन ओ सरकार एहि कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगारदाता सबक सहयोग अनुदान आ लगानी में आकर्षित करैत प्रावधान सब राखल गेल धारणा रखलन मंत्री कुँवर वैदेशिक रोजगार से घूरल मुदा पूँजी नै भेल श्रमिक सबके सेहो ई कार्यक्रम में समावेश कऽ कऽ आगा बढ़बाक धारणा रखने छलैन ओ वैदेशिक रोजगारी से घूरल व्यक्ति सबक लेल पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रति एखनो नकारात्मक बात कर निक नै हेबाक बतौने छलैन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदाखेरि सुरुवाती चरणमा नै हामी सुझाव राख्नु यसमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक हो तर नकारात्मक पाटोतिर हामीले जानु हुँदैन नभए कुनै बेला आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अरुण थर हामीले निर्माण गर्न खोजेका थियौँ त्यो अरुण थरको झझलको अहिले आउँछ अरुण थर हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौँ तर चारैतिरबाट कसैले वातावरणीय प्रदूषणका कुरा निकाले कसैले एकदम कस्टेबल धेरै महँगो छ यो धेरै कस्टली छ भन्ने कुराहरू पनि निकाले जसले गर्दाखेरि अरुण थरलाई हामीले लागू गर्न सक्यौँ हामीले नेपालको विद्युत सप्लाईमा धेरै हामी पछाडि पर्यौँ मन्त्री कुँवर वैदेशिक रोजगारीसँग घुरल व्यक्ति सबक लेल पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर सब मिलकर लागब आवश्यक रहल बताउने छलैन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार संसदमे पेश केने बेपत्ता कयल गेल व्यक्तिके छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक 2079 प्रति गम्भीर असहमति जनौलकै छ आयोग रवि दिन पुलचोक स्थित अपने कार्यालयमे पत्रकार सम्मेलनक सरकार पीडित सङ्ग पर्याप्त छलफल समेत नै कऽ लौने कहैत उ विधेयक प्रति 12 बुँदे असहमति जनौलने छ ओहिमे आयोगके प्रभावकारी बनाब पर्याप्त समय स्रोत आ साधनके व्यवस्थापन होयबाक आवश्यक प्रबन्ध समेत नै कयल गेल उल्लेख करैत आपत्ति जनौलकै छ आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर पीड़ित के राहत आ परिपूरण के लिए विभिन्न निकाय में जाय पड़े वाला अवस्था के अंत कह आयोग से निकासा होब जोकर कानूनी प्रबंध कर समेत सरकार के सचेत करने धारणा रख लेने छ पेश गरेको उक्त विधेयकमा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पीडित पक्ष नागरिक समाज लगायत सँगको छलफल तथा राय सङ्कलन पश्चात नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यसअघि 2079/4/24 गते सुझाव पेश गरेको छ उल्लेखित उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि जारी भएको उक्त ऐन तथा संशोधन विधेयक
ले सो उद्देश्य पूरा करी संक्रमणकाली न्यायालय टुंगो में पुर्यावन पर्च भन्ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्पष्ट धारणा रहेको छ। आयोगका अध्यक्ष मगर सशस्त्र द्वन्द्वमै भाग नै लिने मुदा दुनू पक्ष चपेटामा परल नागरिकके समेत न्यायके अनुभूति दियाकर राहत आ परिपूरण प्रदान कर जोकर कानूनी व्यवस्था कर समेत सरकारके ध्यान आकर्षण गर्ने धारणा राख्ने छलन। बिना भेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना आ राज्यपक्ष परिचालन कयल गेल सुरक्षाकर्मी सबके संक्रमणकालीन न्यायके सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार कर जोकर सरकार कानूनी व्यवस्था कर प्रभाग अवधारणा रहल समेत आयोग जनौलक अछि। सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका 5 रजीतपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एगोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबय वाला में ट्रैक्टर में सवार स्थानीय 26 वर्षक लल्लू माझी मुसर रहल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल मुसर के मलंगवाई स्थित प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। 5/99/71 नंबर के ट्रैक्टर अनियंत्रित भ कऽ पलटल छल। दुर्घटना पश्चात फरार रहल ट्रैक्टर चालक के खोजी भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी सर्लाही जनौलक अछि। नेपाली बाजार में रवि दिन सोना आ चांदी के मोल बढ़ल अछि। सप्ताह के पहिल कारोबार दिन रवि के छपा वाला सोन के मोल प्रति तोला 500 रुपया से बढ़कर 97,800 रुपया तोकल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। तेजाबी सोन के मोल प्रति तोला 97,300 रुपया कायम कयल गेल अछि। चांदी के मोल प्रति तोला 25 रुपया से बढ़कर 1,250 पहुँचल महासंघ जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता विधेयक फिरता विधेयक पर पुनर्विचार करब आवश्यक रहल जिकिर संघीय सरकार प्रहरी समायोजन नहीं केने कहित मधेश सरकार द्वारा आंदोलन मुख्यमंत्री मंत्री सहित सांसद सब धरना पर बसपा के गठबंधन आ सरकार में आनब आवश्यक रहल कांग्रेस नेता निधि के कथन सूर्य अभियान द्वारा तेसर चरण का आंदोलन घोषणा भादो 31 धरना आ ज्ञापन पत्र बुझाल जाए आ निहारिका के न्याय किया नहीं भेटल भेट रहा है कहित सांसद सब द्वारा संसद में सरकार से केलक प्रश्न। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।